कई लोगों को सुबह उठने पर बहुत तकलीफ़ होती है, हाथों पैरों की उंगलियां बहुत दर्द करती है, वहाँ पर जकड़ाहट होती है और इजीली उठ बैठ नहीं सकते। तो ये किन कारणों की वजह से होता है, इसमें क्या सावधानी बरतें और इसकी सरल उपाय चिकित्सा भी देखेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। कई लोगों को सुबह उठते ही हाथों पैरों की जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा जकड़ाहट होता है, वहाँ पर दर्द होता है और इजीली उठ बैठ नहीं सकते। तो इन किन कारणों की वजह से होता है, क्योंकि कारण अगर पता चलेगा तो ही हम उसे अवॉइड कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती फिर भी खाना खाया जाता है, तो ये एक मुख्य कारण है आमवाद आगे जाके बढ़ने का। इसके बाद कई लोगों को दिन में खाना खाने के बाद तुरंत सोने की आदत होती है, तो ऐसे में भी शरीर में कफदोष बढ़ने लगता है। और तीसरा मुख्य कारण है कि ठीक से पेट साफ न होना, यानी शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं और ये टॉक्सिन्स आगे जाकर आपके जॉइंट्स में, जहाँ पर जगह होती है, ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स में जाकर वो बैठ जाता है और वहाँ पर जकड़ाहट और दर्द उत्पन्न करने लगता है। तो ये कुछ तीन महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके वजह से आमवाद की तकलीफ होती है। सुबह की जकड़ाहट को अगर रोकना है, दर्द को कम करना है, तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहली चीज़ है, भूख लगने पर ही खाना खाएं, यानी जो पहला खाना खाया है वो ठीक से हजम हो और उसके बाद आपको जब भूख लगे तभी आपको खाना खाना है। तो इसके लिए सुबह जो सुबह का खाना है वो आपको 10 और 12 के बीच में लेना है। इस हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट करना है, नहीं करना है, भूख लगने वाली है नहीं लगने वाली है, इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको खाली पेट नहीं रहा जाता तो आप लाह्या, जो बहुत ही लाइट टू डाइजेस्ट है, ऐसे ले सकते हैं। ये आप सुबह सुबह ले लें। इसके बाद जब आपको बहुत अच्छे से भूख लगेगी तो 10 और 12 के बीच में आप अपना सुबह का खाना लें। इसके बाद जो शाम का खाना है वो 5 और 6 के बीच में ले लें, यानी सूर्यास्त से पहले ले लें। सूर्य ये हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाता है, ताकत देता है। सूर्यास्त से पहले अगर हम खाना खाते हैं तो सोने तक उसे 3 से 4 घंटे आसानी से मिल जाते हैं और वो अच्छे से हजम होता है, जिसके वजह से आम दोष की निर्मिति नहीं होती। और ये शाम का खाना ही रात भर ठीक से नहीं पचेगा तो ही आम ज़्यादा निर्माण करेगा और सुबह जाके वो जकड़ाहट और दर्द क्रिएट करेगा। तो इस वजह से रात का जो खाना है वो 5 और 6 के बीच में ले, सूर्यास्त से पहले ले, बहुत ही हल्का और इजी टू डाइजेस्ट ऐसा वाला खाना ले ताकि सुबह का जकड़ाहट नहीं होगा। सुबह सुबह जो दर्द और जकड़ाहट होता है उसका एक और कारण है, वो है ठीक से पेट साफ नहीं होना। और लंबे समय तक अगर पेट साफ नहीं होता है तो शरीर में जो मल आंतों में पड़ा रहता है वो रीअब्सॉर्ब होने लगता है, उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होकर शरीर में आम की निर्मिति होती है, टॉक्सिन्स की निर्मिति होती है, जो आगे जाकर जोड़ों में दर्द बनाए रखता है। तो इसमें आपको पेट ठीक से साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खाना हजम होना भी ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में खाना ठीक से हजम नहीं होता है तो उस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए। एरंडी ये बहुत उत्तम औषधि है शरीर में बने हुए टॉक्सिन्स, आम दोष को बाहर निकालने के लिए। कैस्टर ऑयल आप हर हफ्ते या फिर हर महीने अपने वैद्य की सलाह के हिसाब से ले, जिसकी वजह से आंतों में चिपका हुआ आम दोष ईजिली निकल जाएगा, शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा और दस्त भी नहीं लगेंगे और शरीर में बढ़ा हुआ आम दोष भी जल्दी कम होने के लिए मदद करेगा और इस वजह से आपके जोड़ों में जो दर्द है वो भी तुरंत कम होने के लिए मदद करेगा। तीसरा कारण है कि दिन में सोना। अगर आप प्रयास करते हैं कि रात की अच्छी नींद ले तो फिर आपको दिन में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, शरीर में कफदोष नहीं बढ़ेगा, आम नहीं बढ़ेगा और आपको आगे जाकर दर्द और जकड़ाहट से राहत मिलेगी। तो दिन में आपको सोना अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप कुर्सी पर बैठकर पैर लंबा कर बैठे बैठे थोड़ी सी नींद ले सकते हैं ताकि आपके शरीर को राहत मिले, थकान कम हो। लेकिन अगर आप पूरा आड़ा होकर सोते हैं तो शरीर में दोष बढ़ने लगते हैं, कफदोष बढ़ेगा, आम बढ़ेगा और आगे जाकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण भी बढ़ेगी। आमवाद का एक मुख्य लक्षण है वो है फीवरिश फीलिंग, बुखार होने की जो
भावना होती है, इसकी वजह से शरीर में थकान बहुत रहती है। तो अगर आपको बाहर से बुखार नहीं महसूस होता है, अंदर से महसूस हो रहा है, ऐसे समय पर आप गुड़वेल अमृता होती है उसका भी चूर्ण ले सकते हैं। इसके वजह से आपके शरीर में बन रहा ज्वर है, आम है, वो कम होने के लिए मदद होगी। इसके अलावा खाना खाने के बाद हम बड़ी शोप लेते हैं, कुछ मुखवास लेते हैं, इसके बदले में आप मेथी के 7 से 8 दाने बस यूं ही निगल लें। इसकी वजह से हमारे शरीर में खाना खाने के बाद कड़वा रस अगर जाएगा तो वो ठीक से खाना खाने को हजम करने के लिए मदद करेगा, जिसकी वजह से आगे कॉन्स्टिपेशन नहीं बढ़ेगा और जो हमारे शरीर में नेसेसरी वाइटमिन्स है और मिनरल्स है, आयन है, वो अच्छे से मेंटेन करने के लिए मदद करेगा, धातु की पुष्टि अच्छी करेगी। रात के खाने के बाद आपको 2 से 3 चुटकी सूंठ लेना है, ड्राई जिंजर लेना है, उसको आपको आधे कप गुनगुने पानी में डालकर थोड़ी देर रख लेना है, ढक कर रखे, उसके बाद आप उसे पी लें। इसके वजह से रात का जो खाना है वो अच्छे से हजम होगा और सुबह जगड़ाहट और दर्द नहीं होगा। हो सके तो शाम का जो खाना है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, जिसमें आप उपमा ले सकते हैं, मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, हो सके तो घर में बने सूप का इस्तेमाल करें, रेडी टू यूज़ वाले सूप को अवॉइड करें। इसके अलावा जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसे अवॉइड करें। इसके बावजूद आपको जो भी चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जो मैदे से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को भी अवॉइड करना है, ताकि वो आंतों को चिपककर काफ़ी दिन तक शरीर में रहेंगे और आम की उत्पत्ति करेंगे, इसलिए इसको अवॉइड करना है। बासा खाना, टिन फूड, प्रिजर्वेटिव डाले हुए फूड्स को भी आपको अवॉइड करना है। इसके वजह से भी शरीर में दोष बढ़ने लगते हैं और दर्द और जकड़ाहट आगे जाके बढ़ने लगता है। कुछ दिनों के लिए दही जैसे पदार्थ, चावल जैसे पदार्थों को अवॉइड करें। इसके बदले में आप गेहूँ का फुलका ले सकते हैं और जो भी बेलों पर लगने वाली सब्जियाँ होती है उसका सेवन आप कर सकते हैं। अपने रोज के खाने में आप अदरक का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद आप अदरक, लहसुन और पुदीना की चटनी ले सकते हैं, ये भी पाचक है और खाने को ठीक से हजम करने के लिए मदद भी करता है। अगर आपके शरीर में शक्ति अच्छी है और आपके जॉइंट्स दिन में अच्छे से मूव कर सकते हैं, तो ऐसे में आप सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करें, प्रयास करें। इसके वजह से भी आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी और आगे जाके जो जकड़ाहट है वो नहीं बढ़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देखें या फिर ये वाला। नमस्कार।